शुक्रवार के सामाजिक वर्ग के 15 लाख युवा मल्ल राज्य सरकार के योजना मल्ले सुविधा जोड़े जाही। रायपुर ला लेके सुदूर वनवासी अंचल तक प्रदेश के कॉलेज मन में पढ़ने वाला युवा मन पर पहली गांव सोशल डिजिटल प्रतियोगिता यूथ फॉर एकात्मता के आयोजन करेगी। ये प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला 10,000 युवक मल्ल राज्य सरकार के विकास दूत और ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाही। राज्य सरकार द्वारा आयोजित यूथ फॉर एकात्मता प्रतियोगिता प्रदेश भर के 750 कॉलेज और 4,500 हायर सेकेंडरी स्कूल मन के अलावा प्रयास, गुरुकुल, आस्था और पोटा केबिन समेत 600 ले ज्यादा पोस्ट मैट्रिक छात्रावास मन में आयोजित करे जाते। प्रतियोगिता ला लेके युवा मन में भारी उत्साह देखे जाते। कॉलेज स्तर में आयोजित प्रतियोगिता 5 चरण में हुई। 3 अगस्त के पहले चरण में छात्र मनला 4 विषय दिए गए, जेमा प्रतिभागी मनला एमएलए कोनो एक विषय में 10 बुलेट पॉइंट में अपन जवाब प्रस्तुत करना रहिस। एकर बर मनला 15 मिनट के समय दिए गए। प्रथम चरण के विजेता युवा मनला दूसर चरण में खेले के अवसर मिलिस। प्रतियोगिता के दूसर चरण डिजिटल रहिस। सबो प्रतियोगिता शुक्रवार के ऑनलाइन माध्यम ले शुरू हुई, जेमा राजधानी के कॉलेज मा छात्र छात्रा मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यूथ फॉर एकात्मता अर्थात हम एक हैं एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 5 चरणों में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रथम चरण में महाविद्यालय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 15 मिनट में 4 सब्जेक्ट देकर स्टूडेंट को 4 विषय देकर 10 बुलेट पॉइंट्स उनको लिखने थे। हमारे महाविद्यालय में आज 3 अगस्त को पूरे प्रदेश के विद्यालय विश्वविद्यालय में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बाकी के 4 चरण में हम यहाँ से महाविद्यालय से चारों विषय में 5-5 विद्यार्थियों को छाँट कर वहाँ तक भेजेंगे। बाकी का जो चरणों में प्रतियोगिता होगी वो उधर से छत्तीसगढ़ शासन से ही होगी। एग्ज़ाम था ऐसे का जिसमें जाति जनजाति के विषय में लिखना था, बहुत अच्छा गया। टॉपिक बहुत सारे थे जाति जनजातियों के बारे में और बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन मैं जाति जनजातियों के विषय में जानता था इसलिए मैं इसके विषय में लिखा। और जिसमें 15 मिनट दिए गए थे विचारों को लिखने के लिए तो बहुत कम था, लेकिन बहुत था। आज का एग्ज़ाम सिर्फ 15 मिनट का था और इसमें ना 4 टॉपिक थे। 4 टॉपिक में सिर्फ एक टॉपिक को उठाकर हमें सिर्फ 10 लाइन लिखना था और एग्ज़ाम ठीक गया और इसमें सिर्फ 10 ही लाइन लिखना है और किसी एक ही टॉपिक पर सिर्फ विशेष शब्द चुनकर उसमें लिखना है। भारतीय संस्कृति भारत की एकात्मकता का आधार है और जनजाति की विशेषता लिखना था और छत्तीसगढ़ के महापुरुष जो उनके बारे में लिखना था। प्रतियोगिता के संचालन पर प्रदेश के सबो कॉलेज में कार्यक्रम प्रभारी बनाए गए हैं। उन्हें प्रथम स्टेप में प्रतिभागी मन के चयन पर सबो कॉलेज में 3 ले 4 प्रोफेसर के समिति बनाए गए है। प्रतियोगिता के विजेता ला 51,000, दूसर स्थान में 31,000 और तीसर स्थान पाने वाले विजेता ला 21,000 के नगद पुरस्कार दे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंहा ओला सम्मानित करी। आप माला बता दें कि एकर पहली घलो राज्य सरकार द्वारा यूथ स्पार प्रतियोगिता कराई गई रही, जेमा 5वा चरण में विजेता युवा मल्ला एक दिन के कलेक्टर बनाए गए रही। ये प्रतियोगिता ला यूथ स्पार भाग 2 के नाम घलोक दिए जाते। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ कुलभूषण सिंह के रिपोर्ट। शिक्षक फेडरेशन कोती ले राज्य भर के सहायक शिक्षक LB संवर्ग 8 साल ले काम करने वाला शिक्षक कर्मी मन ला जोड़ के कार्य समिति तैयार करे जाही। शिक्षा कर्मी मन के कहना हवे कि 2011 में सरकार कोती ले शिक्षा कर्मी मन बर क्रमोन्नत वेतन के आदेश निकाले गए रही से जेला 3 बछर हो गए लागू नहीं करे है। शिक्षक फेडरेशन के कहना हवे कि सरकार हा वेतन विसंगति ला अभी तक ले समाप्त नहीं करे है, जेखर चला शिक्षक मन में काफी रोष हवे। यही मौका में 7वा वेतन मांग ला लेके 10 अगस्त के रायपुर में संकल्प सभा के आयोजन करे के निर्णय ले है। हमारे दिवंगत साथियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने के कारण हम लोग आगामी 10 अगस्त को अगस्त क्रांति संकल्प सभा का आयोजन प्रदेश के पूरे 1 लाख से भी अधिक शिक्षा कर्मी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर एकत्र होंगे और अपनी मांगों को लेकर संकल्प लेंगे, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पूरे प्रदेश के लगभग लाखों साथी वहां पर एकत्र होंगे और शासन से अपनी विसंगतिपूर्ण वेतन को दूर करते हुए क्रमोन्नत वेतन पर संविलियन की मांग करेंगे और वर्ष बंधन समाप्त की मांग करेंगे।
अवैया विधानसभा चुनाव ला लेके बहुजन समाज पार्टी हा घलो लोगन मन के बीच हुंकार भरत हे। भाजपा के जन विरोधी नीति मन ला उजागर करे मा बसपा हा शुक्रवार के जन चेतना मोटरसाइकिल रैली निकालिस। राजधानी के डॉक्टर अंबेडकर चौक ले रैली रवाना होके गिरौदपुरी धाम पहुंचिस, जिहा बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि में आयोजित आम सभा में बसपा हा प्रदेश में चुनाव प्रसार के शंखनाद करिस। बसपा लगभग 150 किलोमीटर के जनचेतना रैली निकालिस, जेमा जगह जगह स्वागत घलो करेगीस। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश वाजपेयी हा बताइसे कि पार्टी कोतिला भाजपा सरकार के जन विरोधी नीति मन और वादा खिलाफी के विरोध में जनचेतना रैली निकालेगीस। रैली में लोगन मल्ला शासकीय भर्ती में प्राथमिकता, आरक्षण के अनुसार पद मन में भर्ती, किसान मल्ला 2100 रुपया धान के समर्थन मूल्य जैसे मुद्दा ला जनता तक पहुंचाएगी। राजधानी संग प्रदेश के 9 सिनेमा घर मन में छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म आई लव यू के प्रदर्शन करेगी। ये फिल्म के अभिनेता मन कुरेशी और अभिनेत्री अनिकृति चौहान हरे। ये फिल्म के पूरा शूटिंग है छत्तीसगढ़ के वादी मन में हो है। फिल्म के पहली ही शो में दर्शक मन के भीड़ है उमड़ पड़ी। सुंदरानी फिल्म प्रोडक्शन द्वारा 6 साल के बाद मां शानदार छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म आई लव यू ला शुक्रवार के प्रदेश के सिनेमा घर मन मां प्रदर्शित करेगी। राजधानी के प्रभात टाकीज के संगे मां प्रदेश के मल्टीप्लेक्स मां घलो फिल्म ला रिलीज करेगी। फिल्म के सबले बड़े विशेषता ये है कि महिला मन के विशेष ध्यान रखत हुए शुद्ध पारिवारिक फिल्म बनाए गए हैं। फिल्म मां 7 गीत मन ला पारंपरिक धुन ले सजाए गए हैं। संगीत के संग मां फिल्म के निर्देशन घलो काफी अच्छा है। छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन के भीष्म पितामह मोहन सुंदरानी हा देश टीवी ले चर्चा के दौरान कहिस कि फिल्म के ये नाम हा ओला अपन पोती के जुबान ले मिले हैं। वह बताइस कि आई लव यू सब छोटे ले बड़े के जुबान मा आसानी ले चढ़ रहे थे, एकर बड़े नाम ले ही चुने गए हैं। इमा फिल्म के कलाकार मन हा बड़े ही संजीदा तरीका ले अपन अभिनय ला सवारे हैं और ये फिल्म हा पूरा तरह ले परिवार के संग मा देखे लायक है और दर्शक मन के रुझान ले कलाकार मन हा काफी खुश घलो दिखाई दिस। ये मेरी फिल्म आज रिलीज हो रही है छत्तीसगढ़ में, कुल 9 जगह रिलीज हो रही है और 9 जगह ही हाउसफुल जा रही है। इसमें विशेष महिलाओं के लिए, महिलाओं को विशेष ध्यान रखते हुए फिल्म को निर्माण किया है। यह शुद्ध पारिवारिक फिल्म है, महिलाओं के साथ हर वर्ग, चाहे एक छोटा बच्चा भी देखेगा चाहे बुजुर्ग भी देखा, यह फिल्म निश्चित रूप से बहुत अच्छी लगेगी। ए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर लक्की के माने तो पहले ही दर्शक मन के रुझान काफी अच्छा रही, एकर ले इसे लगते कि आने वाले समय में ए फिल्म ला अपार सफलता मिली। संगे माही वहाँ कहिस कि दर्शक मन में महिला मन के होना फिल्म के सफलता ला दर्शाते। ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के जितने भी जगह आई लव यू का प्रदर्शन हो रहा है वो अपने शो समय से 5 मिनट पहले ही हाउसफुल हो गई, तो ये बहुत अच्छा रुझान रहा ऑडियंस का आई लव यू के प्रति, ये बहुत तारीफ की बात रही। महिलाओं के ये फिल्म का जो पूरा जो पाठ कथा फिल्माइजेशन जो जैसा बनाई गई है फिल्म, ये पूरी महिला प्रधान मूवी है, साफ सुथरी फिल्म है, परिवार के साथ देखने योग्य फिल्म है। उहे देश टीवी की टीम हा फिल्म आई लव यू देख के निकलीस। दर्शक मन ले फिल्म के रुझान ऊपर चर्चा करिस त लगभग सबो हा फिल्म के काफी तारीफ करिस। अब आप मन ही सुन लो कि दर्शक मन हा का कहा थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। पहली बार देखेंगे इसको, पहले और देखेंगे। पहली बार बहुत अच्छा है सर, पारिवारिक पिक्चर टाइप सा है, बहुत अच्छा है। पिक्चर एक नंबर है, बढ़िया पारिवारिक है, लव स्टोरी है, एक नंबर है, आई लव यू। लिहाजा छत्तीसगढ़ी फिल्म मन के प्रति दर्शक मन के सही रुझान ले फिल्म मन ला सफलता मिले के काफी उम्मीद फिल्म के प्रोडक्शन टीम हा लगा रखे हैं। देश टीवी पर कैमरामैन एस कनिष्क के साथ स्वरूप भट्टाचार्य के रिपोर्ट। भारतीय जीवन बीमा कोती ले आयोजित 52वां मध्य क्षेत्रीय टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता के 2 दिवसीय आयोजन ये गांव रायपुर मंडल हा करत है। आयोजन के मौका में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर संग 8 मंडल ले खिलाड़ी मन हा यहां हिस्सा लेही। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पूरा देश में कई तरह के खेल प्रतियोगिता कराए जाते हैं। ए बार भारतीय जीवन बीमा द्वारा टेबल टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते हैं, जेन हा छत्तीसगढ़ रायपुर मा 3 और 4 अगस्त के सप्रेशाला मा आयोजित करे जाते। ये प्रतियोगिता मा मध्य क्षेत्र के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसे 8 मंडल मन हा हिस्सा लेवा थे। ये प्रतियोगिता के पहली चरण मा विजयी प्रतिभागी मन ला ऑल इंडिया लेवल मा भेजे जाही। आयोजन के सेक्रेटरी विनय बैसवाड़े हा बतेस कि इसे आयोजन मन ले हमन हा टीम भावना और कुशल के गुण मन ला सीखथन, एकर पर भारतीय जीवन बीमा हा खेल कूद ला महत्वपूर्ण स्थान देते।
ये रायपुर मंडल द्वारा 52वीं मध्य क्षेत्रीय टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे सेंट्रल जोन के एमपी छत्तीसगढ़ को मिलाकर टोटल 8 डिवीज़न हैं, जिसके महिला एवं पुरुष विजेता खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें प्रथम 4 स्थान प्राप्त खिलाड़ी महिला एवं पुरुष वर्गों के वो अखिल भारतीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किए जाएंगे। और इसके पूर्व में टेबल टेनिस 2015 में आयोजित की गई थी। मैं करीब 15 साल बाद रायपुर में पहली बार खेलने आई, अभी खेलने आई, मतलब पहले तो खेलती थी लेकिन 15 साल बाद रायपुर में आना हुआ है। बट एज इट इज़ जैसे 15 साल पहले आयोजन होता था वैसा ही और बेटर हुआ। यहाँ के लोग वैसे भी बहुत एक्टिव और बहुत इंथो रखते हैं कि इनको देख के मज़ा आ जाता है, कि ये हमें भी जोश आता है कि हम लोग खेलें और अच्छे से एंजॉय करें। और यहाँ पे तो सब फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छा है, स्टेडियम नो डाउट बहुत अच्छा है, टेबल्स इतनी सारी है, और इससे ज़्यादा तो बेटर कंडीशंस और कहीं मिलना ही नहीं है। जाहिर है खेल प्रतिस्पर्धा ले कामकाजी लोगन मन मा उत्साह के सृजन तो होते ही, जेकर बाद मा व्यक्ति मनला काम करे मा घलोक एक अलग ही आनंद आधे। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ कुलभूषण सिंह के रिपोर्ट। जाद एक बार फिर देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। छत्तीसगढ़ दौरा मा आवत है अमित राहुल, चुनावी रणनीति मा दोनों दल मा होही मंथन। राज्य सरकार हा आयोजित करिस यूथ फॉर एकात्मता, प्रदेश के 15 लाख युवा मन हा लीज भाग। और छत्तीसगढ़ी फिल्म आई लव यू प्रदेश के सिनेमा घर मन मा होइस रिलीज, सकारात्मक रहिस दर्शक मन के रुझान। अब आप देश टीवी के सबो खबर और कार्यक्रम मल्ला यूट्यूब चैनल में घलोक देख सकत हो। जोहार रायपुर में आज इतना ही, मोला दो विदा, जय जोहार।